सिलवासा में मुस्लिम बिरादरों ने घर पर नमाज अदा कर मनाई ईद उल फित्र। ईद शब्द मूल रूप से अवध नामक शब्द से आया था। किसी मामले का पुनरावर्तन करने का अर्थ होता है अवध, हर साल वापस लौटती खुशी यानी ईद। ईद का महत्व इस्लाम धर्म में ऊपरी खुशी तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ईद की खुशी के साथ एकता, शांति, समर्पण, समानता, इबादत और खुदा की मेहरबानियों का शुक्र अदा करने की भावना से जुड़ी हुई है। ईद उल फित्र अथवा सामान्य भाषा में कहें तो ईद, ईद यह मुख्य तौर पर एक अरबी शब्द है और फित्र यानी उपवास को तोड़ना होता है। ईद उल फित्र यह एक इस्लामिक प्रार्थना है जो खास तौर पर पूरे समूह के साथ एक हॉल में की जाती है। रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम बिरादर रोजा रखकर खुदा की बंदगी करते हैं, कुरान शरीफ पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अधा यह दोनों दिवसों पर मुसलमान लोग उनके खुदा के प्रति आदर भाव और आभार की भावना व्यक्त कर उनकी बंदगी करते हैं। सिलवासा में शुक्रवार को ईद उल फित्र के अवसर पर जामा मस्जिद में प्रशासन की लागू की गई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक सिर्फ 5 व्यक्तियों ने उपस्थित होकर सुबह 8:15 बजे नमाज अदा की थी, तो वहीं अन्य लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगकर ईद मनाई थी। पहले तो तुम्हारे चैनल माध्यम से हूँ कहवा मांगू छू ईद मुबारक तमाम कौम ने तमाम लोगों ने। आज अमारो ईद नो त्यौहार छे ने आज अमे लोगोए घरे बधाए त्यौहार बनाव्यो छे, बधाए घरे नमाज पढ़ी छे। जे रीते सरकारे गवर्नमेंटे जे रीते गाइडलाइन्स आपी छे कि भाई आ कोरोना वायरस ना लिए, आ बबा ना लिए, आ बीमारी ना लिए पोतपोताना घरे आ त्यौहार उजावो, तो आज अमारा तमाम मुस्लिम समाजना लोकोए पोतपोताना घरे त्यौहार उजाव्यो छे। ने बहुत सारी बात छे कि बधा इंसाननी तमाम लोगोनी बधानी माटे आ कदम लीधो छे, ने मैं बधा मुस्लिम भाईओने मैं खूब खूब आभार मानू छू ने एमने बधाने ईद मुबारक कहूँ छू। बीजू कि आजे जो आ बीमारी छे ए बीमारीना लीए घणा लोको हैरान छे ने परेशान छे। हूँ मालिकनी बारगाहमां, भगवाननी बारगाहमां, ईश्वरनी बारगाहमां मैं आ दुआ मांगू छू कि आ बीमारी जल्दी से जल्दी दूर थाय, तमाम लोगोनी हिफाजत थाय, तमाम लोगनी जाननी सलामती थाय। ने ज्यां ज्यां भी एक काम करता छे आ बीमारी ना लिए भगवान तमाम ने ये काम अंदर कामयाबी करे ने तमाम ना हाथ ना अंदर बरकत आपे कि जहाँ जहाँ भी जे खिदमत करता छे खिदमत करवा वाला ने भी कामयाबी आपे ने जहाँ जहाँ भी जे बीमार छे तमाम बीमारी तमाम बीमार लोगों ने बीमारी दूर थाय। बस आज कहवा मांगू छू ने तमाम लोगों ने आजना दिवसे अमारा ईद मुबारक ने बधा ने मुबारकबाद आपू छू। हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम पहले ईद की खुशियाँ बड़े ही धूमधाम से मनाते थे, इस साल इस तरह से खुशी और धूमधाम के साथ हमने ईद नहीं मना सकी और ना ही मस्जिद में या ईदगाह में हमने ईद मना सकी, क्योंकि गवर्नमेंट का हुकूमत का जो गाइडलाइन था उसका ये कहना था कि अपने घरों में ही नमाज़ें पढ़ो और अपने घरों में ही ईद की खुशियाँ मनाओ। तो लिहाजा गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, गवर्नमेंट प्रशासन की बात को मानते हुए, मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने, कमेटी ने, मौलानाओं ने ये डिसीज़न लिया कि हम इस बार ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में ही पढ़ेंगे और ईद की खुशियां भी हम अपने अपने घरों में ही मनाएंगे। तो लिहाजा हम सब ने इस बात को एक जहत होकर माना और ईद की नमाज़ हमने अपने अपने घरों में पढ़ी और ईद की खुशियाँ भी हमने अपने अपने घरों में ही मनाई। और जिस तरह से हम ईद की खुशी पहले मनाते थे वो इस वजह से नहीं मना सके और हम ईद की खुशी मनाए भी कैसे, क्योंकि इस वक्त कोविड यानी कोरोना वायरस की वजह से इस कोरोना काल में, इस परिस्थिति में जहां सुबह उठते ही कोई ना कोई मैयत की खबर, लाश की खबर आती है और हर तरफ लाशों के ढेर हैं, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वक्त में, ऐसे गंभीर हालात में हम ईद की खुशी मनाने की जुरत भी नहीं कर सकते और ये हमको शोभा भी नहीं देता कि हम ईद की खुशी मनाएं। मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो दुनिया में लोगों के ऊपर, इंसान के ऊपर कोरोना वायरस के नाम पे जो वबा आई है, जो कहर या अजाब आया है, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस कोरोना वायरस से हिफाजत अता फरमाए, हम सबको इस बीमारी से निजात अता फरमाए। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, सबको इस बीमारी से निजात मिले।
और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन में अभी बहुत गंभीर हालत है। कोरोना वायरस के वजह से हर कोई परेशान है, हर छोटा बड़ा सब कोई परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को इस दुनिया से जल्दी से जल्द ख़त्म फरमाए, नेस्तो नाबूद अता फरमाए, और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इस बीमारी से निजात अता फरमाए, सबकी हिफाजत अता फरमाए, सबके ऊपर अपना रहम व करम अता फरमाए। और इस ईद उल फितर के सदक़े में हमारी दुआ को अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। और बस आपके चैनल से इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह हमसे अगर कोई ख़ता हो गई है, गुनाह हो गई है, तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा और अपने बंदों पर रहम फरमा, इंसानों की इंसानियत पर रहम फरमा, इंसानियों के ऊपर अपना रहम व करम की बारिश अता फरमा। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। आज ईद उल फितर के इस पावन अवसर पर मैं मेरे देशवासी और मेरे प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की शुभकामनाएँ देता हूँ। साथ में वो सारे रोज़गार जिन्होंने इस गर्मी के मौसम में भी सारे रोज़े रखे हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे देश में जिस प्रकार कोरोना नामक बीमारी ने कहर बरता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान गई, काफ़ी लोगों की देश में जान जा रही है, हमारे प्रदेश में भी आलम इतना अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे प्रदेश में दूसरों के मुकाबले अगर हम देखें तो हमारे इधर काफ़ी डेथ रेट में भी कमी है और पॉजिटिव तो अब तो काफ़ी कम हो गया है। आप सबसे यही दरख्वास्त है, जितना हो सके इस कोरोना काल में अपने घर में रहे, और जो जो दिशा निर्देश हमारे सरकार ने हमें दिए हैं, जैसे कि सैनिटाइज करना, मास्क पहनना वगैरह, वो हमें करने हैं। जित अननेसेसरी बिना किसी वजह से घर के बाहर नहीं जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो यकीन मानिए कि हम इस बीमारी से जीत पाएंगे और हम बहुत जल्द जीतेंगे। तो आप सबसे आज के दिन ईद के दिन मैं शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हैं कि हम सब भी ईद है, ईद का त्यौहार है, लेकिन घर में ही मना रहे, कोई कहीं जा नहीं रहा है। हमने हमारे मेहमानों से भी कहा है कि घर पर ना आए, नमाज भी हमने घर में पढ़ी है, तो आप सभी से यही दरख्वास्त है कि अपने घर में रहो, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। धन्यवाद।